साइंस में फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट मोशन पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एक्सीलरेशन होता क्या है। मान लीजिए कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ट्रेन मान लीजिए स्टार्ट होता है ए पोजीशन से और कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करता है कुछ समय के बाद। मान लीजिए यहाँ पोजीशन हो जाएगी और स्टेशन ए हो गया और यह आपका पोजीशन हो गया। इस पर वेलोसिटी हम डिवाइड करते हैं और यह पोजीशन हो गया स्टेशन बी। कोई भी ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करता है और अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ती है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम यह स्टेशन ए है पॉइंट ए हो गया ओ। इस पॉइंट टू से लेकर ए तक ट्रेन की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। उसके बाद फिर ए से बी तक कांस्टेंट है और फिर बी से सी तक वेलोसिटी इसका डिक्रीज कर रहा है। एक तो सिचुएशन है आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रेन स्टेशन ए से आगे बढ़ती है ए पॉइंट तक इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है और बी से सी तक वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो वेलोसिटी का ग्रेजुअली चेंजिंग हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है जहाँ से स्टार्ट करता है फाइनल वेलोसिटी कुछ और है। तो ग्रेजुअली चेंज इन वेलोसिटी जो इस बॉडी के स्टेशन से ट्रेन के मूव करने में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसी को हम एक्सीलरेशन के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो कोई भी बॉडी जब ट्रेवल करता है तो उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली चेंज होता है। चेंज इन वेलोसिटी को हमें डिस्क्राइब करने के लिए एक्सीलरेशन टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहीं से एक्सीलरेशन का डिफिनेशन निकलेगा। तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन? द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर अ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। किसी निश्चित समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका दूसरा डेफिनेशन यह भी है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक और डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बॉडी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। तो इसको भी आप लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाई डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। एक बार और डेफिनेशन देख लीजिए। एक डेफिनेशन तो यह है द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। और सेकंड डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स that is acceleration is equal to change in velocity by time interval।
we know that change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity. Change in velocity को कैसे लिखा जाएगा? कोई भी velocity मान लीजिए object 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चलता है, 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो जो 10 मीटर पर सेकंड है वह इनिशियल वेलोसिटी है और 20 मीटर पर सेकंड है वह फाइनल वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट, चेंज इन वेलोसिटी के जगह पर हम लिख लेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी के जगह पर क्या लिख लिया जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। नाउ लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू यू। अब हम लोग मान लेंगे डिनोशन के रूप में कैसे सूचित किया जाता है, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वी, टाइम इंटरवल इज इक्वल टू स्मॉल टी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू स्मॉल ए। इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को इन लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वी, टाइम इंटरवल इज इक्वल टू टी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू ए। देन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, अब हम सिंबल पे फाइनल वेलोसिटी को क्या इंडिकेट किया है? वी, वी हो गया। इनिशियल वेलोसिटी को क्या इंडिकेट किया है? यू। तो फाइनल वेलोसिटी के स्थान पर लिख लिया जाएगा वी माइनस यू और टाइम इंटरवल हो गया स्मॉल टी। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली एन एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ओवर टाइम इंटरवल टी। किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर होता है जो टाइम इंटरवल टी में कैलकुलेट होता है। अब व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डस नॉट चेंज, यदि बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो उस बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही उसका फाइनल वेलोसिटी भी होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, फार्मूला सब हुआ वी माइनस यू बाई टी, बट वेलोसिटी विल नॉट चेंज, इट मींस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो यहाँ पे आप वी माइनस वी भी लिख सकते हैं, यू माइनस यू भी लिख सकते हैं, तो दोनों इक्वल होगा। तो वी माइनस वी बाई टी इज इक्वल टू जीरो बाई टी इज इक्वल टू जीरो। क्या कंक्लूजन निकला? इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स एक्सेलरेशन इज If the velocity of body does not change, its acceleration is zero. अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। या अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब होगा कि उस बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अब हम लोग का अगला है यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट क्या है? तो डिफिनेशन से क्लियर हुआ है फॉर्मूला एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। So unit of acceleration is equal to unit of velocity by time interval, velocity का unit होता है unit of distance by time, और by time तो time का division यहाँ चला आएगा, तो unit of distance by unit of time का whole square। अब distance का unit होता है meter, time का unit होता है second, तो meter divided by second का whole square। meter को हम small l से denote करता है, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एस का होल स्क्वायर, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, एम मीटर इसको पढ़ा जाता है पर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर में है जब वो ऊपर जाता है न्यूमरेटर में तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है, एम एस टू द पावर माइनस टू। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीट एम एस टू द पावर माइनस टू। दी अदर यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन इज किलोमीटर पर आवर, मीट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह सब भी एक्सेलरेशन का यूनिट है।
आज हम लोगों ने पढ़ा है सिलेबस, इसको बढ़िया से लिख करके याद कर लीजिएगा, फिर अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।